तो दोनों देश। आपका सजेशन है तकरीबन 25 लाख लोग जो हैं उनको पहाड़ से ले जाके मार दिया जाए। इट डजंट मैटर, मैं ये नहीं कह रहा 25 लाख लोगों को मार दिया जाए, मैंने पूरी आपके सामने एक बात रखी है कि वी डोंट नो कि जब पच्चीस जब ये लाख लोग रिसर्च हैं या है कि नहीं है। एटलीस्ट 1% है, वैसे तो मैंने उससे बहुत ज्यादा है। मैंने आगे जो आपसे अर्ज किया ना और कि किन्जी ने, अगर आप नहीं मान रहे तो जी, आप अपनी पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री में चले जाएं, अपने आप पाकिस्तान की जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएं। मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं और बहुत ही अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं, वो ये जी, बता उन वहां पे है, वहां के जितने भी जो मेकअप आर्टिस्ट हैं मेल, वो उनमें से 50% मोर देन 50% आर इंक्लाइंड टू गे सिस्टम। नहीं हमें पता नहीं है दूसरी बात, परसेंटेज क्या है, लेकिन आपकी ये बात दूसरी दुरुस्त बात है कि इस इंडस्ट्री में ऐसे सर, बहुत से लोग पाए वन जाते मोर थिंग, हैं। वन मोर थिंग, लेकिन मैं जस्ट आपकी वन एक मोर बात थिंग, पे, मुझे जस्ट एक वन मोर थिंग, जस्ट वन सर मोर थिंग, मुझे जस्ट वन मैं मोर थिंग, आपकी मैं जरूर ओनली सुनूंगा वन वो, मोर थिंग, कि मैं आपकी जरूर सुनूंगा मदरसा सिस्टम सर, में, मेरी मेरी अर्ज सुनेंगे एक सेकंड, मैं आपकी वो बात जरूर सुनूंगा, लेकिन चूंकि आपकी एक बात से गलतफहमी पैदा होने का खतरा है, मैं इसलिए भी चाहता हूँ वो दूर हो जाए कि मैंने आपके सामने 1947 में की गई गलती से लेकर आज तक जो चली आ रही है मैंने उसका भी जिक्र किया, और वो इसलिए कर रहा हूं कि हम कंफर्म नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में कितने केस हैं। तो वो एक चीज हमें, जब आप कहेंगे ना कि आप ये कह रहे हैं कि 25 लाख लोगों को कत्ल कर दें, तो मैं ये नहीं कह रहा कि 25 लाख लोगों को कत्ल कर दें, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 25 लाख से ज्यादा भी है ना तो जो शरीयत में सजाएं हैं वो उनको मिलें, इंक्लूडिंग सजाए मौत। कत्ल और सजाए मौत दो अलहदा चीजें होती हैं, इट बिकम्स, इसके माने ही अलहदा अलहदा चीजें हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में इतनी परसेंटेज में लोग नहीं है तो हमें भी एहतियात से कहना चाहिए कि ऐसे लोग नहीं है। ठीक, तो ये मेरा उस पे एक है, और शरिया बाय द वे जो है ये एक बात यहाँ पे हमारे जहन में रहनी चाहिए कि ये पब्लिक लॉ का मैटर है, ये प्राइवेट लॉ का मैटर नहीं है। ठीक, जैसे हम अन बेगम बेगम नवाज़ अली थी आपके जी जी टेलीविजन पे, कई साल आती रही हूँ, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो वो थे हम इस मर्द, अली देखें नाम हम था उसका लड़के का, जी बिल्कुल हम जानते हैं उनको, लेकिन हमारे हमारे पास कोई पब्लिक एविडेंस ऐसा नहीं है कि वो होमोसेक्सुअलिटी में भी वो इंगेज थे। ये पता है कि बहजते मर्द लेकिन वो वो लोग क्या औरत का करते कपड़े थे, तो पहन रहा था, वो भी तो शरिया हाँ में करते थे, शरिया में मना लानत है की हुई ना, ऐसे लोगों पे। वो हाँ उतना लेकिन उतना ही क्राइम है, उतना बड़ा। ये फिर अगर आप ये क्लेम करेंगे तो फिर आपको साबित करना होगा कि उनको भी सजाए मौत देनी चाहिए। क्राइम तो वही है ना कि आपको जो है दूसरों के कपड़े नहीं पहनने हैं, दूसरे सर जेंडर, ये आपकी जाती ओपिनियन है जो मैं रिस्पेक्ट करता हूं जरूर, लेकिन उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। अगर आप कहते हैं कि इसकी भी सजाए मौत है तो फिर आपको बताना पड़ेगा कहाँ लिखा है। शरिया में मे भी नहीं मे भी नहीं ना, आप ये कह सकते हैं कि ठीक है नहीं, नेक्स्ट टाइम सही में में क्यों शरिया में लिखा है कि जो औरतों वाले कपड़े पहनता है उसको सजाए मौत दे दो, और मर्द मर्द अगर पहनता है मर्द तो मर्द औरत भी कपड़े नहीं पहन सकता, मुझे औरत रेफरेंस बाकी दे का सकते कपड़े हैं पहन कि, सकती, हाँ बिल्कुल सही है, मैं कह रहा हूँ कि उन पर लानत की गई है, और लेकिन वो आप कह रहे हैं करे कि तो सजाए मौत सजाए है। मौत हाँ है। वो मुझे वो उसका हवाला दे दें, हम उसको भी ऑन करेंगे अगर शरीयत में ये कंफर्म चीज है, क्योंकि हम देखें हम शरीयत को प्रैक्टिस करते हैं अनअपोलोजेटिकली, हम ये दाएं बाएं से इधर उधर करके पिंक एंड फ्लफी ये हम में नहीं है। इस्लाम मुसलमानों के लिए आया है, ये किसी को खुश करने के लिए नहीं आया कि कोई नाराज ना हो जाए, कोई गोरा कॉम्प्लेक्स हम में नहीं वो है, अभी तो वी वी डोंट इमरान डू दैट। खान, इमरान खान ने तोशा खाने से तोशी आप वो मदरसे करी वाली है, बात तो करना चाह रहे थे, उसके लिए मौत की सजा है कि नहीं? आप एक मदरसे वाली बात कर रहे थे, अगर आप उस वो करें तो फिर हाँ, इसको मदरसे में कंक्लूड करते आपके हैं यहाँ हम। तो बहुत ही जी जी रैम्पेंट है। आपने, आपको जी पता जी नहीं है, मैं एक हवाला देना चाहूंगा, एक बीबीसी की वो है डॉक्यूमेंट्री, शेम ऑन शेम ऑफ पाकिस्तान, उसमें जी बताया गया है कि जो आपके जीटी रोड पे जितने भी ट्रकर्स चलते हैं वो कैसे 50-50 रुपए लेके और बच्चाबाजी करते हैं, क्योंकि बच्चाबाजी नाम ही जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में चलता है, इंडिया में नहीं चलता है। दे खैर ब्रिंग बच्चा बॉयज जी, एंड दे हैव सेक्स विद देम विद द श्योर बॉयज, जरूर आप बिल्कुल और ठीक कह रहे हैं। बच्चाबाजी टर्म ही सिर्फ पाकिस्तान में होता है और कहीं नहीं होता है। अगर किसी कंट्री में कोई टर्म है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस होगी उस चीज की। मैं अर्ज कर देता हूं, पहले मैं आपको अपनी प्रिंसिपल पोजीशन बताऊं कि हमारे लिए मदरसा मस्जिद ये सारी चीजें कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां पे क्राइम जस्टिफाई हो जाता है। हम पब्लिकली कहते हैं कि अगर किसी मौलवी ने किसी बच्चे के साथ ज्यादती की है वो तो रेप में आ जाता है ना, उसकी सजा मौत है ना, अगर तो पब्लिकली सजाए मौत होनी चाहिए। फिर हम अपने लिबरल से तवक्को करेंगे कि वो फिर ह्यूमन राइट्स का झंडा उठा के खड़े ना हो जाए कि सजाए मौत गलत चीज है। ठीक,
कोई इसमें डिफरेंसिएशन नहीं है, इस्लाम में कोई डिफरेंसिएशन नहीं है कि किसने किया और कब किया। कोई क्राइम एक दिन में 10 बार हो रहा है, मैंने आपकी बात सुनी, उसकी सजा जो है वो 10 साल में एक भी नहीं मिल रही है। मैंने आपकी बात सुनी है, तो प्लीज अब मुझे भी मौका दीजिए। हम कोई कोई ऐसा हम ये आप जहन से निकाल दें कि हम किसी मदरसे के दिफा के लिए बाहर निकले हुए हैं। हम पाकिस्तान में शरीयत का नफाज चाहते हैं, उसमें अगर किसी ने मदरसे के तकद्दस को पामाल किया है, किसी ने मस्जिद के तकद्दस को पामाल किया है, अपने घर के तकद्दस को पामाल किया है इवन, उसको शरी सजा मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिली तो वो गलत है, हम उन पर भी केसेस करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि नहीं नहीं ये मुसलमान जो मर्जी करता फिरे, इस्लाम में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, मुसलमान जुर्म करे वही सजा है, नॉन मुस्लिम करे वही सजा है, बात खत्म। पहली बात आप पाकिस्तान के अंजुम चौधरी बन रहे और कुछ नहीं है। अब मुझे पूरी बात करने दीजिए। जो आपने उसके अलावा कहा कि वो ट्रकों वाले करते हैं, ये करते हैं, और बच्चाबाजी आपने कहा सिर्फ पाकिस्तान में ये है और इंडिया में ऐसा नहीं होता, मैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ये गेम मुझे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अब आपने जिक्र कर ही दिया है तो गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में जहां पे भी ऐसा होता है, आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछें कि इस एक्ट की लीगल नेचर क्या है, तो वो आपको कहेगा जुर्म। इंडिया में देवादासी के नाम से जो कुछ बच्चियों के साथ होता है, बचपन में उनको प्रोस्टिट्यूशन में दे दिया जाता है, वो रिलीजियस प्रोटेक्शन में होता है, वो जुर्म भी नहीं है। वहां पे अगर किसी ब्राह्मण को, क्योंकि छोटी बच्ची अगर पसंद आए ना मिले तो उसके नहीं, अब मैं आपको ना मैं बिल्कुल, ये तो जो आपने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बताई है, मैं उस दिन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसमें एक देवदासी ये बता रही थी कि मेरी वर्जिनिटी मेरे चचा ने खत्म की थी, मेरे अंकल ने, बहुत सी की और भी होती है इसलिए कि वो फिर हमें थोड़ा सा जिस्मानी तौर पर मैच्योरिटी होता है। 12 12 14 14 साल की लड़कियां वहां पे, इससे भी कम उम्र की लड़कियां रिलीजियस प्रोटेक्शन में दे दी जाती हैं। फिर ऐसी बात करेंगे तो मैं 6 साल की लड़की की बात करूंगा। नहीं, फिर मैंने आपसे पहले कहा था कि आप ये कंपैरिजन ना करें, आप 6 साल की लड़की की बात करेंगे तो कंपैरिजन करने लगूंगा। हमने फिर हम सीता जी से स्टार्ट करेंगे ना, फिर आप भूल जाएंगे। मैं आपको सीता जी से हवाले दूंगा, मेरे रिलीजन पे आ रहे हैं आप जो 6 साल का कह रहे हैं, आप भी पता है आप क्या कह रहे हैं, हम दोनों को पता है, इसलिए मैं आपसे मेरी बात सुनिए। मैं एक मिनट आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि अब आपने मुझे बात करने नहीं दे रही है, मैं आपको भी अनम्यूट करता हूँ। मैं आपको एक ऑफर करना चाहता हूँ। आपने बड़े अच्छे तरीके से बात की, आपकी सारी अच्छी बातें मैंने एक्सेप्ट की, आपकी सारी वो बातें जो कि जिसपे मेरा एनकाउंटर बनता था मैंने किया, इज्जत एहतराम से किया, कोई गलत बात नहीं की। आपको मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान इंडिया के कंपेरिजन में नहीं जाता, लेकिन अगर आप ये इतना यानी कि मुंह भर के कहेंगे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि पाकिस्तान में बच्चाबाजी होती है, तो मैं इसको पब्लिकली एक्नॉलेज तो करूंगा कि पाकिस्तान में ऐसा होता है, लेकिन ये क्राइम है। आपके कंट्री में जो कुछ होता है वो रिलीजियस प्रोटेक्शन में होता है, पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन से कंडेम करते हैं, सिर्फ इंडिया में से कंडेम नहीं किया जाता, कहा जाता जी बिल्कुल ठीक होता है। ये आपको मैं ऑफर कर रहा हूं कि आप इस स्लिपरी स्लोप पे ना जाएं, आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और ये 6 साल की बच्ची और ये वो वगैरह वगैरह, मैं आपको मैं यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आपके धर्म की जितनी बातें आपके मंदिर ने आपको नहीं बताई हैं वो मैं बता दूंगा, और मैं बताता भी हूं जब कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए, मेरी यूट्यूब की स्ट्रीम्स भरी हुई होती हैं। कोई वजह है कि इतने ज्यादा जो हमारे साबका हिंदू भाई हैं जो इस्लाम में धराधड़ आए हैं पिछले कुछ महीनों में, इन्हीं बातों की वजह से आए हैं कि क्योंकि आप तरह के लोग आते थे हमारी सोशल मीडिया की स्ट्रीम्स में, यूट्यूब की स्ट्रीम्स में, और वो आके ऐसी बातें करते थे, तो हमने उनको कुछ महीने का टाइम दिया था कि आप लोग ना करें ऐसा, ये आपके बस की बात नहीं है, वरना आपकी किताबें हम दुनिया को दिखाएंगे। जो हमने दिखाने शुरू की तो ऐसा ऐसा काम खराब होना शुरू हो गया। अब मैं आपको एक ऑफर कर रहा हूं मेरे भाई कि आप इस स्लिपरी स्लोप में ना जाएं, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया छोड़ दें। आपने अच्छी बातें कही, मैंने एक्सेप्ट कर ली, जो आपने गलत कही मैं नहीं कहता कि आपने इल इंटेंशन की बेस पे कही, लेकिन चूंकि उनका एनकाउंटर मौजूद है एकेडमिक तो मैंने आपको दे दिया। अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आपके अगले जवाब पर डिपेंड करता है फिर कि गुफ्तगू किस तरफ जाएगी। मेरा कसर इंटेंशन आपको जो है बेइज्जत करना या आप जिस भी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं उसको नहीं है। मेरा इंटेंशन जैसा आपने बोला है कि सीता जी के बारे में, तो मैं जानना चाहूंगा क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम है, क्योंकि मुझे मालूम है अपने रेफरेंस से कि सीता जी की उम्र कितनी थी और राम जी कितनी, आपकी कितनी थी। इस गुफ्तगू को आप रहने दें, बहुत बेहतर होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता
एक आदमी की वजह से बहुत से और सनातनी बहन चलिए हमारे वो फिर। भी ऑफेंड हों, तो ये बस ठीक है, इसको आप रहने दें यहाँ पे, बस इंडिक्टिवली बात नहीं हो गई है, इट्स सर एनफ। सर चलिए ठीक है फॉरगेट इट, नथिंग, नो सर, प्रॉब्लम अबाउट। जी एक सर, मिनट भाई जी। साहब, सर मुझे इजाजत है, मैं जरा फ्री हैंड इस्तेमाल कर सकता हूँ? मैं भाई जी से मैं इजाजत ले लूँ, उसके बाद फिर हम एक इंटरमीडिएट बात करके फिर अगले गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। वो गेस्ट भी आ रहे हैं जा रहे हैं, ये खुद भी अपना वो बकवास जारी रखे हुए हैं, और इनके नहीं पास ऐसी कैसी सबूत वगैरह बकवास, कुछ है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, शाह साहब नहीं नहीं है, नहीं सर 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 लाइक नहीं नहीं शाह लिटरली साहब नहीं, नहीं शाह नहीं साहब सर। नहीं, एक में इसमें इसमें हाँ जी नहीं, इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ट्रांसजेंडर एक्ट ऑफ पाकिस्तान है, इसमें आपका क्या है, ये तो पहली बात है। दूसरी बात, अगर ये करना चाहते हैं तो वो क्या करना चाहते हैं कि भाई आप 6 साल और 7 साल को क्यों बीच में ला रहे हैं? अगर आपने ट्रांसजेंडर एक्ट ट्रांसफर ही रहे हैं, क्यों आगे पीछे जा रहे हैं? और आपकी मैंने शाह इंडिया साहब, की मैंने ये आपकी जो शाह साहब मेरी बात सुनिएगा, जो मैंने उनसे इतना उनको म्यूट करके अपनी तबीयत के खिलाफ, अपने मिजाज के खिलाफ उनको म्यूट करके जो मैंने उनको ये बात इंडिक्टिवली बताई है, उनको समझ आ गई है, मेरे ख्याल में इस बात को खत्म करते हैं, वरना हमारा आज की जितनी भी स्पेस है ये किसी और तरफ चली जाएगी। फायदा ही अंडरस्टैंड, वो मेरे पास सारे रेफरेंसेज मौजूद हैं, किस किताब के किस श्लोक के क्या लिखा है, ठीक नहीं लगता, ठीक है, आज हम किसी और टॉपिक पर बैठे हुए हैं, उन्होंने जो बात कही वो हम तक पहुंच गई, हमारी बात उन तक पहुंच गई, खत्म करते हैं इस बात को, ठीक। अच्छा अच्छा पहले थम दम, अच्छा शायद आपको गुस्सा आया था नहीं नहीं सर ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे गुस्सा आप ऐसे नहीं। नहीं आप सर एक सर काम कर सकते आपको हैं शाह सर जी, ये आप एक इंडी काम करें नहीं एक बात सुने जी जी सर सर ये जी इंडियंस खुद अपनी रियलिटी न सुनना चाहते हैं न देखना चाहते हैं। नहीं इनको ये पता कि एक डॉक्टर की रेप होकर उसको किस तरह से जिलाया जाता है, नहीं इनको ये पता कि घरों से बेटियां निकल कर किस तरह उनकी बकवास रहा की रेप हो जाती हैं। इनको ये पता है कि 6 साल और 7 साल क्या है, वो भी रट्टे मारकर। अच्छा ये चले बड़ा ठीक है, वो मसला जो है। हो गया चले हो गया। आप अगर थैंक इस माम आपका ना, मैं एक टास्क दे सकता हूँ, आजकल मेरे पास बहुत कम टाइम होता है ट्वीट्स का जवाब देने का, तो हमारे ये एंजल फ्रॉम स्काई भाई आए हुए हैं, इनकी मैंने एक दो ट्वीट्स नजर से गुजरी हैं कि कुछ लोगों ने शायद इन्हें कहा, आई डोंट नो किसी ने कहा या नहीं कहा, वो तासुर से यही मिल रहा था कि अब मैं इनको जवाब नहीं देता, तो इनको भी थोड़ा इस पे गुस्सा है, आप इनको कन्विंस करें कि ये माइक पे आए, ये बात करें, रिप्लाई ताकि नहीं हमें देते अच्छा सर, अच्छा भी लगे। सर ये रिप्लाई नहीं देते खुदा के बंदे। ये नहीं सॉरी अच्छा ये हमारे भाई नहीं, मतलब ये रिप्लाई नहीं देते ये आसमानी फरिश्ता साहब। इनको मैंने 1000 बार कहा कि आसमानी फरिश्ते साहब सीनियर सा ऐसा ऐसा ऐसे, लेकिन रिप्लाई नहीं देते। जब पंच जाते हैं तो फिर चौड़ जाते हैं। इनको मुझे किसी ने बताया है कि एक साहब का नाम बताया है कि ये फलां साहब हैं, नाम चेंज करके यहाँ पे आते हैं, अगर तो वो इन्फॉर्मेशन ठीक है फिर तो मैं भी आ आपको गए गारंटी कर सकता सर आ हूँ। गए सर आ आ गए गए, सर, आपका आ गया अरे कबूल है, आ गए भेज अरे एंजल साहब कैसे हैं आप? जी। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, वालेकुम खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम अस्सलाम, वालेकुम जी 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 सलाम। जी कैसे चलें जी, हैं आप जनाब? मेरा हाल वही पहले वाला, आप तो बहुत खुश है ना? अच्छा आप वही हैं जिनके बारे में अभी मैं कहने लगा था, आपको तो पता ही, खैर वो चलिए कंपनी के बारे छोड़िए, में कहने मेरे लगा पास वक्त नहीं होता, मैं सिर्फ 2-3 मिनट के लिए आया हूँ। था। चले वही चले हैं वही छोड़िए, हैं, चले चलिए अब कहाँ होते हैं यार, नहीं आपने मैं नहीं स्ट्रीम आ में आना सकता, छोड़ मैं दिया, अच्छा अगर भला आना छोड़ होना तो होता मैं अपना चैनल था। शुरू करूं राजा साहब, बहुत कुछ है अच्छा मेरे पास कहने सर, को। ठीक है चलिए स्पेक्ट्रोग्राफ ले आए या हो जाएगा? चलिए छोड़िए राजा साहब, जल्दी से नहीं एक बात की करते हैं, यार, फिर नेक्स्ट टाइम आपको इनवाइट करेंगे, अपनी अच्छा स्पेस में मैं इनवाइट कर लूंगा। हकीम जी भी मौजूद है नीचे, ठीक है, बड़ी जबरदस्त नहीं यार, मेहमान अब है मैं आप आपके लोगों के लिए। पास नहीं आऊंगा, नहीं मैं बिजी ऑनेस्टली हूँ अब सर, मैं आप लोगों के इस वक्त पास मैं इसलिए बिजी नहीं हूँ सर। आऊंगा, जी हाँ तो सर मेरी एक एक जुमला मेरा सुन लीजिए, मैं आपकी बात सुनता जी हूँ, प्लीज आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि आप बिजी हैं, मैं आप लोगों की स्पेस में अब इसलिए नहीं आऊंगा कि मैं एक से ज्यादा दफा आ चुका हूँ, मैं कितनी देर उस दिन चीखता रहा कि यार आप में से कोई आदमी है जो इल्हाद का दिफा आके करे, हमारे साथ बात करे, ना कोई जवाब देता है आगे से, ना किसी को उस तरह का उसकी हौसला होता है कि हाँ भी हम बात करना चाहते हैं इस पे, वो स्ट्रॉन्ग पायलट साहब आपके इतना म्यूट करके शुरू हो जाते हैं, और कुरान देखो ये गलती वो गलती, मुझसे कोई डिबेट करे, मैं कहता हूँ जी मैंने आपको आपका ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आइए ना डिबेट करें, उस तरफ हो जाते नहीं है, बात कोई करता नहीं है, तो इसलिए जब तक आप लोगों में से कोई हमारी स्पेस में नहीं आएगा, मैं आप लोगों की स्पेस में नहीं, मैं एक से ज्यादा दफा आ चुका हूँ, जी फरमाइए आप। चले अच्छा चले सर, जल्दी से मेरे पास 1-2 मिनट ही होंगे। अभी आपने जी फरमाया है कि जो रब करीम ने हमारा जो भी सेक्स डिटरमिन कर दिया, अब उसमें रद्द बदल हम नहीं कर सकते। ये जो सही बात है, सर्जरी वगैरह की जाती है, ये सिरासर गैर शरी है, ये नहीं किया जा सकता।
मैंने इतने सिंपल टर्म्स में नहीं कहा, लेकिन चलें आप बात पूरी करें। मतलब ये है कि मेल जो है वो फीमेल नहीं बन सकता सर्जरी कर। हाँ ये बात जी जी बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए, मैं आज एक प्राइज में रख लू, $1,000 का मैं प्राइज रखता हूँ, नाम रखता हूँ, ठीक सही है है। जी। मुझे ये बताइए, अगर ये गलत है तो फिर सर्कमसीजन खतना करना किस तरीके से ठीक है? माशाल्लाह ठीक है, माशाल्लाह। अब तो आपको, ये अब है सर, आपको कंट्राडिक्शन और तजादात बेशमार हैं, बेशमार हैं यहाँ ठीक पे। तो यही सही वजह बात होती है कर ना दिया। कि, यही वजह जो है ना कि मैं सर क्या अच्छा अब कहूँ, ठीक है सवाल जी। वही, अब चले वो भाई जी वाली हरकत आप ना करें ना, कि ना, मैं सवाल भी रखने बोलो करने जा जवाब रहा भी हूँ, मेरी मैं सर तरफ जा से रहा दे हूँ, दिया। फिर मैं जा रहा हूँ, मैं फिर जा रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिए। नहीं सर सुन, जितने नहीं, मुझे जवाबों ने आप सर जितने, जवाब जितने सुने, मैं, नहीं मेरे पास वो नहीं कभी क्या सुन, होता सर अरे सुन तो लेना यार, जी, क्या प्लीज इतने टाइम के बाद आप आए हैं। अकीदत, अकीदत की जो है ना, या वो अकीदे की पट्टी बांध के बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हैं, नो 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 मैं इश्यू, तो लेकिन आप दे भाई, रैशनली तौर पे आप जवाब दीजिए प्लीज। अकीदे की बात तो मैं उससे करूँ ना जो मेरे अकीदे से मुतफिक है। यही तो वजह है कि मैं जब एथियस से, लिबरल्स वगैरह से मैं बात करता हूँ, तो मैंने कभी इस्लामी हवाले नहीं दिया, अनलेस कोई क्वेश्चन इस्लाम पे हो तो फिर एक और बात है। मैं तो बात ही करता हूँ फिलोसफी और साइंस की, कि मुझ में और आप में क्या मुश्तरक है, अकीदा तो है ही नहीं मुश्तरक। तो मैं आपको एक लॉजिकल बात करने लगा हूँ कि आपका ये ख्याल है कि अगर सर्कमसिजन किया जाए तो उससे मर्द औरत बन जाता है, तो बंदा परवर एथियस तो आप हुए हैं, आपके आगे पीछे आपके गांव के लोग, आपकी फैमिली के लोग, मोस्ट प्रोबेबली आपके वालिद साहब, आपके बुजुर्ग जितने, जिनकी सर्कमसिजन हुई हुई थी, तो क्या आप उनको सब फीमेल का टाइटल देते थे अपनी फैमिली में और अपने गांव में, आगे शहर में, करिया, जहां पे भी आप लोग रहते हैं? नहीं, आपने सर्जरी की बात की थी तो इसलिए हाँ हाँ मैंने उसी चीज़ को मैं आगे लेकर बढ़ा हूँ, उसी की जी चीज़ को मैं जी लेकर बढ़ा हूँ कि अगर वो सर्जरी की जा सकती है, अगर वो हाँ करते हैं, उनमें कोई इश्यू है, किसी इश्यू सही को रिमूव करने के लिए वो कोई सर्जरी करवा रहे हैं, आई डोंट नो, मैं ठीक तो बायोलॉजी का मेरा सिरे से कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर है। अगर वो ठीक है तो फिर इस तरीके से चले, सर्कमसीजन भी ठीक है, अगर सर्जरी ठीक नहीं है तो फिर वो भी ठीक नहीं है। चले तो ठीक है, मैं आपकी बात खैर चलिए, मैं इतनी बात मैंने करनी थी, अभी मैं निकलता हूँ, मैं लिसनर पे जाऊंगा, ठीक मुझे है सर कुछ काम कर रहे हैं, तो बहुत ठीक शुक्रिया, ठीक ठीक बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत। थैंक यू वेरी और मच आते जाते रहा करें, देख लें सर। कितनी थोड़ी सी आपकी देर से कितने लोगों का भला हो गया। जी सर सर, सर आपसे गिला ये है कि आप बात भी कह देते हैं, ट्वीट भी करते, जवाब नहीं देते यार, इतना तो हमें क्यों रुसवा कर जाते हैं आप। चलिए, चले कोई थैंक बात यू नहीं, वेरी खैर मच, होता थैंक यू रहता वेरी है। मच, जरूर चले जरूर जवाब देंगे जी, शुक्रिया। शुक्रिया आपका जी, थैंक यू वेरी मच इंडीड। अच्छा भाई जी, आपने फिर स्पीकर रिक्वेस्ट किया है, लेकिन मैं सिर्फ बदमजगी को अवॉइड करना चाहूंगा कि वो ना हो जाए, इसलिए आई एम सॉरी, मैं आज आपको एंटरटेन नहीं करूंगा, बट सम अदर टाइम। आपने बड़े अच्छे तरीके से बातें की हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये अच्छा हमारा जो है एक सिविलाइज तरीका ये चलता रहे। अच्छा लेट मी टेक हकीम जी ऑन बोर्ड, उसके बाद जो हमारे बाकी भाई हैं उनकी तरफ मैं आता हूँ, क्योंकि हकीम जी का पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है आजकल हकीम जी का, वो आई डोंट नो। हकीम जी आप ही बता दीजिए क्या चल रहा है आजकल आपकी तरफ, मुझे अकीदे आपकी के आधी एतबार आवाज आई आधी नहीं आई, आप बताएं, आप बताइए, आपको मेरे अकीदे का ज्यादा पता होता है, आप बताइए भजन, छोड़ दें सारी बातें, से। मुझे तो ये पता है कि आप खुद को मुसलमान कहते लेकिन हैं, आपके नजर नंबर में वन। मुसलमान हूं नहीं, मैं पूरी, अब आपने पूछ लिया मुझे, तो मुझे बताने देना कि मेरी मैं कंफ्यूजन की स्ट्रॉन्ग वजह नहीं क्या है। करता आज आपको, चलिए आप बताइए। बहुत शुक्रिया आपका। आप ये कहते हैं कि आप मुसलमान हैं, फिर आप कहते हैं कि आप हदीस को नहीं मानते, फिर आपके जितने भी इस्लामोफोब्स, इस्लाम के जिनके जो गुस्ताख तरीन लोग हैं उनके साथ आप बैठे हुए होते हैं, सज्जन है मेरे साथ, कभी आपने, सारे आपके सज्जन हैं, और रैशनैलिटी पता नहीं किस चीज का आप लोगों ने नाम रखा हुआ है, कॉपी पेस्ट किस ऑफ चिड़िया दानिश का का नाम शायद, है, उसकी आप जाके बात। आई हैव नो आइडिया, मैं तो मुझे, कंफ्यूज है मैं मेरे तो साथ, अपने देसी देसी लोगों में ऑनेस्टली मैं रैशनैलिटी भजन ढूंढता ढूंढता शायद मैं बूढ़ा हो जाऊं। जी। एनीवे खैर, तो इसलिए आप खुद ही बता दें कि जो चीजें अब हमने इकट्ठी की हैं ये आमतौर पर एक मुसलमान में कॉम्बिनेशन होता नहीं है, तो इस दावे की क्या, बता दें क्या दलील रखते हैं आप? भजन आपका शुक्रिया, आपने गरीब को मौका दिया बात करने का। बाकी बात मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप आए थे वो जब लास्ट टाइम, तो मुझे नहीं पता आपको किस बंदे से शिकायत हो या ना हो। मुझे उम्मीद है कि मैंने कोई आपको शिकायत का मौका नहीं दिया, जो हमारे ज़ाती मसले मसाइल हैं वो मैंने कहा हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा अभी मैं आया हूँ, आप मुझसे वो ज़ाती बातें डिस्कस करना चाह रहे हैं, मैं हाज़िर हूँ। हदीसों को, शदीसों को भजन मैं अभी यहाँ पर कहाँ प्रोटेक्ट करूँगा, हदीसों को तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ज़ाहिर है अब आप, मुझे आपको भी पता है कि आप भी
वो हदीसों पर ज़्यादा नहीं बात करना चाहते। आज का टॉपिक ट्रांसजेंडर पे था और मैंने देखा कि वो फरिश्ता भाई आए हुए थे और ऊपर नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी हाथ खड़ा करके आ जाता हूँ, उनकी जगह मैं कुछ बोल दूंगा। अच्छा, अब आपका सवाल था भजन के, वो जो हमारे जो मुसलमानों के खिलाफ इतने लोग हैं, मैं उनके साथ क्यों बैठता हूँ, उसका जवाब मैं बहुत खुशी खुशी देना चाहूँगा। उसकी नंबर वन वजह यह है कि जो है ना, हमारे जो मुसलमान बहन भाइयों में जैसे कहते हैं ना कि वो इख्तलाफ राय का तो मसला नहीं है, जो इंतहा पसंदी है बहुत बढ़ गई है, और उसको काउंटर करने के लिए मेरे पास तो कोई ना हथियार है ना कोई आलाकार है, आप लोग हर बंदा एक दूसरे की गर्दन उतारने पर लगा हुआ है। तो अगर मुझे कोई सैनिटी वाली बात मिलती है, कोई रेशनैलिटी वाली बात मिलती है थोड़ी बहुत भी, तो मुझे स्टॉर्म पायलट से मिल जाती है कुछ। स्टॉर्म पायलट ने बाय द वे मुझे दो तीन दफ़ा, ये फरिश्ता बन के बैठा हुआ है ना, उस समय इंतहाई खतरनाक झगड़े हुए हैं उसके साथ, मैं उसकी स्पेस छोड़ के भी गया हूँ फिर वापस आया हूँ। कुछ अच्छी बातें थी उसकी, इंसानियत थी, इंसानियत नाते से वापस आया हूँ। इंसान के नाते से आप सब मेरे बहन भाई हैं, आप तो दीन के हिसाब से मेरे बहन भाई हैं, आपने मुझे दीन से निकाला है, मैंने आप लोगों को नहीं निकाला, मैं आप सबसे प्यार करता हूँ। नंबर एक, आज टॉपिक के भजन वो ट्रांसजेंडर का, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमारा टॉपिक ना, मेरा और आपका केसर भाई झगड़ा जो है ना, ये बहुत लंबा चलेगा, कल आपकी वो भैंस भी है, मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा आपका, वो हारिस सुल्तान भाई से। जी, ट्रांसजेंडर का भजन मैं आप सिर्फ पूछना चाह रहा था कि ये क्या क्या है, ऐसी क्या मसला है हमें कि मुझे सिर्फ एक बात, आप सिर्फ इस बात का मैं जवाब आपको, मैं तो आपने सवाल पूछा नहीं, सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा भाई जान, कि आप ये बता दीजिए कि हम इन लोगों को इंसान समझ सकते हैं या नहीं, या ये जो बिल जो था इंसानियत के बुनियाद पर था कि नहीं था। शादी वो कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो तो शरई मामला है, वो तो कोई मौलवी आके करेगा नहीं करेगा वो मौलवियों का मसला है, वो तो इस्लाम का मसला है, वो हिंदू धर्म का मसला है, कोई इजाज़त नहीं देता इनको वो शादी ना भी करें। हम उन्हें इंसान समझ सकते हैं भजन का नहीं, बस मैं इजाज़त लूंगा आपसे, मैं यही हूँ, मैं लिसनर पिंजरा, आप जवाब दे सकते हैं। ठीक, ये जो आपने फरमाया कि दीन से हमने आपको निकाल दिया है और ये वो वगैरह, वो कोई इंसान किसी को दीन से नहीं निकाल सकता। इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि एक आदमी जो कहता है कि भाई मैं मुसलमान हूँ लेकिन मैं अहदीस को नहीं मानता, इनके मुनकर हदीस है, मुनकर हदीस है तो सीधा सीधा मुनकर कुरान है, और उस कुरान की सारी वो आयतों का इनकार करना पड़ेगा जिसमें हुक्म दिया गया कि आप सुन्नत को माने, वो तो सीधा सीधा वो तो खैर, इसलिए मैं आपसे ही जाना हूँ, आप अपने बारे में खुद बता दें। उन लोगों के पास आना जाना, उनको रैशनैलिटी ये वो वगैरह वगैरह, बड़ी सिंपल सी बात है हकीम साहब, दीन जो ना आप एक आपको गैरत का एहसास दिलाती है। मैं बदजुबानी करने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे गारंटी करता हूँ कि आज अगर मैं आपकी फैमिली के बारे में नाजेबा अल्फाज कहूँ तो फ्यूचर में आप बहुत भी अगर शराफत आप में हुई तो आपने अगर मुझे जवाब ना दिया तो कम से कम आप मुझे मुंह लगाना पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसे बदजुबान लोग जो अंबिया को गालियां दे रहे हैं, उम्मतुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, सहाबा की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, नाम डाल रहे हैं, आपके पास इतना जवाब नहीं, मैंने कभी खुद नहीं सुना। वो भी आपने खुद नहीं सुना तो इसका क्या मतलब है? आपने उसामा बिन लादेन को कभी बम फाड़ते देखा था? आपने ट्रंप को कभी सुना था या उसामा को सुना था कि फलां जगह इतने बम फेंक दो? यू नो समथिंग एग्जिस्ट देयर, तो आपको जाती तौर पर अगर नहीं भी पता, इट डजंट मैटर, वो खुद जो कहते हैं हाँ जी हम करते हैं। तो इसलिए अगर आप मेरे साथ नहीं बैठ सकते इसलिए कि मैंने कुछ ऐसी बातें की हैं, तो हमारे लिए हमारी मुकद्दस शख्सियत तो हमारे खूनी रिश्तों से बहुत बढ़ के हैं। खैर, ये आपके इस बात का जवाब था जो आपने कहा कि हमने वो कर दिया है, तो आज हमारा वो टॉपिक नहीं है। जो आपने दूसरी बातें कही कि हमें जवाब दे दूं आपको, फिर वरना फिर बात फिर किसी और तरफ चली जाएगी ना। आपने एक बात कह दी, मैंने उसका जवाब दे दिया, छोटा एक मिनट लूंगा आपसे, एक मिनट, तो फिर आगे से मैं एक मिनट लूंगा, फिर उसके जवाब में आप एक मिनट लेंगे। नहीं, उसके हम कोई भी, हम कोई डिबेट आगे नहीं लेके जाएंगे, हम डिबेट में आपसे करने आया भी था मेरे भाई, आपको पता है इस बात का। अगली जो बात है ना, जो उसके बाद की जो वो आप हम फिर आप कीजिएगा वो ट्रांसजेंडर की, फिर उस पर हम बात कर लेंगे। मुझे सिर्फ एक मिनट दे दीजिए, जो आपने जो बात की ना मुझे भूल जाएगी वाकई, कि ये जो है ना ये मैं माइंड कर गया अपनी बात पर ना करने पर, वो मैं इस पे अपने आप को थोड़ा सा डिफेंड करने कर लेने दीजिए आप मुझे, बस फिर बात कहीं और तरफ चली जाएगी, हम खत्म नहीं होगी बात। एक मिनट लूंगा मैं आप पे, काउंटर अटैक कर ही नहीं, मैं अटैक कर ही नहीं। अच्छा, छेद छेद ही खत्म करें जी, एक मिनट आप काउंट घड़ी खोल लीजिए। देखिए भजन, मैं आपसे ये इतना करूंगा कि जब मैं मेरी जात जो है ना, ये दिस इज पार्ट ऑफ माई सेल्फ, और ये एवोल्यूशन इसको आप नहीं मानते, उसका हिस्सा है, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करूंगा, कोई बंदा मुझे आकर के मेरा मानने वाला दुनिया में कोई नहीं बनने लगा, क्योंकि ना तो मैं अपने आप को पैगंबर कहता हूँ, ना मैं अपने आप को वली अल्लाह कहता हूँ, मैं बहुत माड़ा गरीब आदमी हूँ, ठीक है, मुझे प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं, ना ही मेरी फैमिली को। अगर कोई बंदा मेरी फैमिली के बारे में कोई बात करेगा तो उससे तो वाकई में बात
हरगिज नहीं करूंगा, लेकिन मेरे बारे में करेगा मैं फिर भी माफ माफ कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। नबी पाक के बारे में मैं ये क्योंकि वो मेरा नबी है, खुदा आजाद की जात, मेरा खुदा है, खुदा कादरुल मुतलिक है, खुदा को जो गाली देगा खुदा उसको खुद नबेड़ सकता है। मैं मामूली आदमी, मैं किस किस से पड्डा करूंगा? मेरा काम है अपना पैगाम, जो मेरा मोहब्बत का पैगाम है, वो दुनिया को पहुंचाना। भजन में हो जाता है, बस शुक्रिया।